संगम होता है, पर्व ही है प्रकृति पर्व और सामाजिक सांस्कृतिक और समसायिक महत्व। मैं निवेदन करती हूँ सभी परंपराओं का सम्मान करते हुए जौ खोसाई का काम करें श्री नकुल तिर्की जी को। जाता है वर्षों सदियों सदियों से और उसी प्रसाद में मनाए, इसके लिए सभी को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा आभार प्रकट करता हूँ और सभी को धन्यवाद देता हूँ। जो होस्टर किया जाएगा जोरदार तालियां, बहुत बहुत स्वागत हमारे कर्म मिलन समारोह के अवसर पर। ये पगड़ी पहनाकर हमारे लिए पारंपरिक स्वागत इस समय कर रहे हैं अध्यक्ष। सदियों से आदिकाल से जो इस प्रकृति को इस सृष्टि को बचाने में जो आदिवासी समाज की भूमिका है उसे दुनिया भी काम नहीं करती है। आदिकाल से रहने वाले लोग को ही आदिवासी समाज का दर्जा दिया गया है और मैंने तय किया कि इस गरीबी को इस राज से निष्प्रभूत करना, इस गरीबी को हमें गरीबी से बाहर निकलना, गरीबी के खिलाफ लड़ना। लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते क्योंकि वो चाहते हैं हमारा झारखंड के लोग गरीब हैं ताकि उसकी दुकानदारी चलती। फूलचंद तिर्की जी ने ठीक कहे, ये संविधान में है कि हर जाति वर्ग भाषा के लोग को अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, ये संविधान है। लेकिन लोग लालच और भय दिखाकर अगर धर्मांतर करता है तो वह गैर संवैधानिक कार्य है और हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और हमारा राजधर्म भी यही कहता है कि संविधान का पालन करना, इसलिए हम संविधान का पालन करें। कोई गरीबी का लोभ लालच दिखाकर, भय दिखाकर धर्मांतर करे यह हमारी सरकार को भी स्वीकार नहीं है। और कोई ऐसे मामले आएंगे कहीं किसी तरह भय लोभ लालच दिखाकर इस तरह के कोई काम करेंगे तो सरकार कठिन से कठिन करोड़ कटोर करवाई है, उसका जगह होटवार जेल रहे। तो लगातार यह प्रयास किया जाना है, इसी उद्देश्य के साथ में आज कर्म मिलन समारोह का भी आयोजन किया गया है। ये बहुत सम्मान की बात है मेरे लिए क्योंकि मैं चटरी सरना पूजा समिति का मुख्य संरक्षक हूं। यह सम्मान, यह गौरव जो आदिवासी समाज ने मुझे दिया है, मैं जिंदगी में कभी भी इसका मूल्य चुकता नहीं कर सकता हूं क्योंकि आप लोगों ने जिस तरीके से मुझे प्यार दिया, मान दिया, सम्मान दिया, इसका ऋण सहयोग करके कभी भी चुकाया नहीं जा सकता है। मैं इस मंच के माध्यम से जेके इंटरनेशनल स्कूल, जेके न्यूज नेटवर्क के तमाम हमारे जो परिवार के लोग हैं उनके तरफ से भी कर्म पूजा के उपलक्ष्य में मैं आप लोगों को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथ ही साथ यह वचन इस मंच के माध्यम से देना चाहता हूं कि जब भी केंद्रीय सरना पूजा समिति या आदिवासी समाज के किसी भी व्यक्ति को किसी चीज की जरूरत हो, निश्चित तौर पे हम लोगों ने आगे भी कदम से कदम मिला करके, हाथ में हाथ डाल करके बढ़ने चलने का काम किया है और निश्चित तौर पे हम हमेशा आपके सुख और दुख में उपलब्ध रहेंगे। यह मैं वचन आज के इस शुभ उपलक्ष्य दिन में आप लोगों को देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मान के लिए और जोहार।